हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये स्पेशल गाजर का हलवा है, जो बहुत ही यूनिक तरीके से बनाया जाता है और बहुत ही टेस्ट लगता है खाने में, बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार होता है। बिल्कुल शादी वाले गाजर का हलवा या रेस्टोरेंट स्टाइल वाले गाजर का हलवा भी आप इसे कह सकते हैं। चलिए देखते हैं इसके लिए हमें किन सामग्रियों की आवश्यकता पड़ेगी। बहुत ही टेस्टी हलवा बनकर तैयार हुआ है। सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी गाजर की। यहाँ पर मैंने आधा किलो गाजर लिया है, जिसे मैंने अच्छी तरह से धो करके ग्रेट कर लिया है। और फिर मैंने यहाँ पे लिया घी, मैंने 4 बड़े चम्मच घी लिए हैं, ये देसी घी है। मैंने यहाँ पे लिया है दूध, यहाँ पे मैंने 150 ग्राम के लगभग दूध लिया है। 150 ग्राम के लगभग मैंने यहाँ पे लिया है खोआ। यहाँ पे शक्कर ली है मैंने, शक्कर मैंने 200 ग्राम के लगभग शक्कर ली है। शक्कर आप अपने मिठास के हिसाब से भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, जिसमें काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट और इलायची का पाउडर लिया है मैंने। सबको मैंने काट लिया है, अपने हिसाब से काट लीजिए। सबसे पहले कढ़ाई गरम कर लेंगे और उसमें हम घी डाल देंगे। फिर घी गरम होने पे हम डाल देंगे गाजर और इसे अच्छी तरह से हमें घी में मिक्स करके ढक के हमें 5 से 6 मिनट तक स्लो फ्लेम पे पकाना है। आप इसे डायरेक्टली कुकर में भी बना सकते हैं, बट मैंने इसे कढ़ाई में बनाया हुआ है। देखिए 5-6 मिनट तक मैंने इसे ढककर पकने दिया था, ये सॉफ्ट हो चुके हैं। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इसमें डालेंगे दूध। दूध को भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 5 मिनट तक पकने देंगे। फिर इसमें डालेंगे खोआ, खोए को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जिस तरह से मैंने आपको बताया ये गाजर का हलवा स्पेशल है, तो इसके लिए हमें खोया, दूध की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। देखिए अच्छी तरह से ये मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे शक्कर। शक्कर आप अपने हिसाब से डालिए, जितना मीठा आप पसंद करते हैं उस हिसाब से डालिए। देखिए शक्कर डाल के इसे अच्छी तरह से मिक्स करके हम ढककर 5 मिनट तक पकने देंगे। जब शक्कर पक जाएगी अच्छी तरह से, देखिए तो कुछ इस तरह से शक्कर की चाशनी जैसा निकलेगा, शक्कर में से पानी निकलेगा, जो उसे हमें पकाना है। उसे पकाने में हमें कम से कम 8 से 10 मिनट का वक्त लग सकता है। इसे अच्छी तरह से सूखने तक पकाना है। देखिए शक्कर का पानी अच्छी तरह से पक चुका है, हमारा गाजर का हलवा बनकर तैयार है। इसमें हम कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। ड्राई फ्रूट डालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये टेस्टी हलवा बनकर तैयार होगा। आपके पास जो भी घर पे हो ड्राई फ्रूट्स, आप वो यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं जो मैंने आपको बताया वही इसमें डालना है। देखिए हमारा गाजर का हलवा बनकर तैयार है, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही सुपर गाजर का हलवा बनकर तैयार है। इसे आप अपने घर पर बना के ज़रूर ट्राई करिए। ये बहुत ही स्पेशल गाजर का हलवा है, खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय।